तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम कॉपी पेस्ट पे बात करेंगे। जो लोग फ़ोटो को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही आइडिया लेकर आया हूँ। अच्छा, उससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, ना ही आपकी फ़ोटो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। पर आपको किस तरीके से काम करना है, उस पर कैसे फ़ोटो एडिट करनी है, कैसे आपने कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना है, उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बताऊँगा। और आपको बड़े बड़े यूट्यूबर भी नहीं बताएंगे जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी फ़ोटो भी वायरल होगी और आप कहीं से भी फ़ोटो लेके एडिट करके अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हो और उससे बोनस से कमाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लोगे। और कॉपीराइट से बचने के लिए ये ट्रिक तो आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए बस आपको दो ऐप चाहिए, उसमें से भी आप अगर दोनों ऐप नहीं लेना चाहते तो उसमें से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर। तो वो ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो, जैसे कि गूगल क्रोम से ले सकते हो, फेसबुक से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, और भी जो आपको फ़ोटो अच्छी लगे वहाँ से भी ले सकते हो। पर उसे एडिट करने का तरीका आपको आना चाहिए और आज ही मैं वो आपको एडिट करने का तरीका बताऊंगा एकदम बिल्कुल सही, जिससे कि आपके फ़ोटो पर कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगा, ना ही आपका पेज कभी सस्पेंड होगा। तो उसके लिए एक अच्छी ऐप लेकर आया हूँ, वहाँ से आप अगर एडिट करते हो फ़ोटो तो बहुत ही कम चांस है कि आपकी फ़ोटो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए। ये बड़े जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको कभी नहीं बताएंगे, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए यार बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐप है, वहाँ से आप एडिट करोगे तो आपके फ़ोटो पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और पूरी वीडियो ज़रूर देखना, अगर बीच में छोड़ जाओगे तो कभी भी भाई बोनस से कमाई तो करनी शुरू कर दोगे पर फ़ोटो पर कॉपीराइट आ जाएगा, असली ओनर आपको कॉपीराइट दे देगा, उसके बाद आप कमाई ही नहीं कर पाओगे फेसबुक से। पूरी समझाता हूँ कैसे फ़ोटो एडिट करनी है। तो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आपको दो ऐप कौन सी चाहिए। पहली ऐप तो ये आप देख लो, इनशॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली इनशॉट ऐप आपके पास होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक और ऐप होनी चाहिए, वो है आपको दिखाता हूँ मैं, पिक्सल लैब। तो ये वाली भी आपके पास ऐप होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खोलना है अपना गूगल क्रोम। तो हम चलते हैं मेरे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले से ही दो साइट खोल के रखी हैं, तो उसके बारे में आपको मैं साइट का नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपने कैसे मतलब कि साइट ढूंढनी है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोटो। तो यहाँ पर मैंने गूगल पर फ़ोटो सर्च कर ली है, यहाँ पर लिख कर देख सकते हो आप, पर मैंने लिखा हुआ है कि पुअर मदर एंड सन। तो आपको क्या करना है कि ऐसी फ़ोटो ढूंढनी है जिस पर कोई टेक्स्ट ना लिखा हो, जिस पर कुछ लिखा ना हो। तो आपने जैसे कि मान लीजिए ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई हैं, जैसे कि मैंने खोल रखी हैं, तो आपने भी ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। और आप और भी कोई कैटेगरी में मान लीजिए आपने ढूंढनी है तो उस हिसाब से आपने सर्च कर लेनी है गूगल क्रोम पर या इंस्टाग्राम पर, जैसे भी आपको जहाँ पर आपको सही मिलती है फ़ोटो, अपने हिसाब से वो वाली फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों, जो इन शॉट ऐप है पहले आपने उसे खोल लेना है अपने, खोलने के बाद आपने आ जाना है फ़ोटो में। फ़ोटो में आने के बाद आपने वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने डाउनलोड की हुई है। तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे आपने आ जाना है। नीचे आपने आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट आउट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैं दिखाता हूँ इस पे, इस चीज़ पे आपने क्लिक कर देना है। करने के बाद क्या करना है, आपने यहीं पर रुक जाना है, 2 मिनट वेट करनी है। तो उसके बाद इसकी ये एक PNG बन जाएगी फ़ोटो की, तो आपने इसे कर लेना है अपनी गैलरी में सेव। सेव करने के बाद क्या करना है, आपने आ जाना है पिक्सल लैब में। तो हम चलते हैं पिक्सल लैब में, तो हम आ गए पिक्सल लैब में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे पिक्सल लैब में। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले आपने सेलेक्ट करना है इसका एक वॉलपेपर। तो आपने यहाँ से नीचे वॉलपेपर देख लेने हैं,
यहाँ पर आपको नहीं पसंद आ रहे तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहे होंगे दो डब्बे, उस पर क्लिक करना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर साइड में, आप देख सकते हो कलर पर। तो कलर पर आने के बाद यहाँ से आपने चूज़ करने हैं कलर, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसी आप फ़ोटो एडिट करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एडिट करने के लिए ये वॉलपेपर ले लिया अपने हिसाब से, तो जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ वैसे ही करनी है आपने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऊपर प्लस का निशान है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर आ जाना है और यहाँ से जो हमने PNG बनाई हुई है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस PNG को। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे आ जाएगी ये PNG ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है आपने। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम में, ऐसे ही चले जाना है सीधा बैक करके गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने क्या करना है कि गूगल पर सर्च करना है माँ से रिलेटेड कोई भी शायरी, दो लाइनों वाली शायरी आपको लिखकर सर्च करनी है, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ से आपने कोई भी एक शायरी जो आपको अच्छी लगे फ़ोटो के हिसाब से, वैसी शायरी आपने डाउनलोड कर लेनी है या वैसी आपने लाइनें डाउनलोड कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से वो शायरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी जो आपको अच्छी लगी। तो मैंने एक सेलेक्ट करके पहले रखी हुई है, तो मैं सीधा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं वहीं पर हमारे पिक्सल ऐप पर। तो पिक्सल ऐप पर आ गए हम, तो वहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर करना है प्लस के निशान पर है, क्लिक करना है और टेक्स्ट ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करनी है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद नीचे आप देख रहे होगे ए का निशान है, ए का निशान, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हो एडिट आ गया, यहाँ पर क्लिक करना है। एडिट पर क्या करना है, वहाँ से जो भी हमने कॉपी की होगी टेक्स्ट उसे यहाँ पर इनपुट कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें उसे सेट करना है अपने हिसाब से, जैसे आप बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है और इसका जो साइज़ है उसे छोटा कर लेना है, जिससे कि अच्छा लगे और लोगों तक भी पहुँच सके। तो यहाँ पर आप और भी PNG ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, और भी जैसे आप एडिट करना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक PNG ली हुई है, आप डिफरेंट तरीक़ों से भी मतलब कि और भी PNG बनाकर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, जिससे कि और भी अच्छी पोस्ट बनेगी। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, उसके बाद इसके जो टेक्स्ट है उसे बड़े कर लेने हैं अपने हिसाब से और इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका जो वो है साइज़ छोटा कर लेना है अपने हिसाब से और इसे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए ऐसे ही सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने एक तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने, थोड़ा सेट कर लेते हैं और इसे, तो मैंने ऐसे कुछ थोड़ा सा सेट कर लिया अपने हिसाब से। तो ऐसे सेट कर लेना है अपने, और उसके बाद क्या करना है, इसे कलर में बदल देना है, इसे कलर में कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर कलर ले लिया हमने रेड, और इस पर क्या करना है हमें स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हमें आ जाना है आगे 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 आगे, यहाँ पर आ जाना है, इस पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसके जो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे टेक्स्ट, तो ऐसे आप टेक्स्ट ऐड कर लेने हैं अपने हिसाब से, अपने PNG के हिसाब से आपको टेक्स्ट ढूंढने हैं और उस हिसाब से आपने एडिट करनी है। तो जैसे मैंने मान लीजिए थोड़े से एडिट कर लिए इसे और थोड़ा सा, हाँ अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, और इसे कर लिया सेट, और इसे भी हम कर लेंगे सेट, बीच में कर लेते हैं हम। तो मैंने तो आपको एक तरीका बताया, उससे आप इस तरह और भी बना सकते हो अपने हिसाब से और इससे भी अच्छा बना सकते हो, मैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप फ़ोटो एडिट करोगे
तो आपको कभी भी फ़ोटो पर कॉपीराइट स्ट्राइक कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये फ़ोटो आपने अपने द्वारा एडिट करके तैयार की है और इससे कहीं पर भी ऐसी फ़ोटो नहीं मिलेगी। हाँ, PNG बनाने के बाद आपने अलर थोड़ा सा इसमें फ़र्क डालना है, तो इसमें थोड़ी बहुत कलर कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो फ़ोटो है वो कभी भी ऑनर के तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक उस पर पड़ेगी ही नहीं। जितना मर्जी जोर लगा ले फेसबुक पर उस पर कॉपीराइट आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद के द्वारा क्रिएट की गई है और भी इस तरह क्रिएट कर रहे हैं लोग, और इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस तरह का तरीका, आप भी यूज़ कीजिए और आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, सेव कर लेना है, इस फ़ोटो को सेव इमेज कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, हाई में करना है, आपने वेरी हाई में सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेव टू गैलरी।